हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से हमारा मतलब लीनियर इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और जहां पर वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, वन होती है। और टू वेरिएबल का मतलब इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल होंगे। चलिए, इसमें मैं एक चीज़ आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी। मान लीजिए हमारे पास एक टीम एक्स और एक टीम वाई है। दोनों टीम ने मिलकर कितने रन स्कोर किए, 176 रन स्कोर कर लिए। जब 176 रन स्कोर किए तो हमारे पास अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टीम एक्स ने कितना रन स्कोर किया और टीम वाई ने कितना किया, नहीं है। बट हमारे पास टोटल डाटा है कि दोनों ने मिलकर 176 रन स्कोर किए। इस डाटा की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटली अजम्पशन में चलेगा कि मान लीजिए एक्स टीम ने कितने रन स्कोर किए, 50 रन स्कोर किए, तो वाई ने कितने किए होंगे, 176 माइनस 50। अगर एक्स ने 70 रन स्कोर किए तो वाई ने कितने किए होंगे, 176 माइनस 70। अगर एक्स ने 100 स्कोर किए तो वाई ने कितने किए होंगे, 176 माइनस 100। अगर एक्स ने 10 रन स्कोर किए तो वाई ने कितने किए होंगे, 176 माइनस। देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करती हूँ तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वाई की वैल्यू मिलती है, और जितनी वैल्यू मैं एक्स की यहाँ पर पुट कर सकती हूँ उतनी ही वैल्यू में वाई की भी ऑब्टेन कर सकती हूँ। तो यहाँ से टोटली मुझे क्लियर है कि यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए कोई एक सोल्यूशन ना होकर बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, वहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके की इक्वेशन थी हमारे पास, 2x + 7 = 0, या लोअर क्लासेज में भी आपने इस तरीके की इक्वेशन देखी थी, 2x + 7 = 0। इस तरीके की जो इक्वेशन होती है इनके डेफिनेट सोल्यूशन होते हैं, और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन या एक ही सोल्यूशन आप कह सकते होता है। तो देखिए कैसे होगा इसका, जब इस इक्वेशन को आप सोल्व करते हैं 2x = -7 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/2, यानी कि = में आपके पास आ जाएगा -3.5। तो x का वैल्यू हमेशा -3.5 ही रहने वाला है इस इक्वेशन के लिए, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बट ऐसी इक्वेशंस में आप x की वैल्यू चेंज कर सकते हो और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू पुट करके आप उसी के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सोल्यूशन, क्लियर है। अब इस इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए हमारे पास एक जर्नल फॉर्म होती है, जिसको हमेशा उसी जर्नल फॉर्म में लिख करके कंपेयर किया जाता है, उसी जर्नल फॉर्म में लिख करके इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, इसको जर्नल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ax + by + c = 0। यहाँ पर a जो है x का कोफिशियंट है, b जो है y का कोफिशियंट है, c इज द कॉन्स्टेंट टर्म। और यहाँ पे ए बी सी आपके रियल नंबर होते हैं। और एक चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि जो एक्स का कोफिशियंट है और वाई का कोफिशियंट, यानी ए और बी, ये एक साथ कभी भी इक्वेशन में आपको दोनों जीरो नहीं मिलेंगे। एक टाइम पे एक ही जीरो हो सकता है, ए और बी में से कोई एक ही जीरो होगा, दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होंगे। और सी आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है रियल नंबर में, 0 से लेकर 1, 2, 3, कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है, इरेशनल में भी हो सकते हैं, √2, √4, प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आपका सी यहाँ पे हो सकता है। चलिए, अब आप यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया गया 4 = 5x - 3y, इसको हमें इन जर्नल फॉर्म में लिख करके ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसको करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। 4 = 5x - 3y है, इसमें या तो आप ऐसा कीजिए कि ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड पर आप राइट साइड को ट्रांसफर कर लीजिए, तो 5x प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, -3y इधर आके प्लस का 3y हो गया। और जब इसमें हम जनरल इक्वेशन में कंपेयर करने के लिए लिखेंगे तो पहले x वाला लिखेंगे, फिर y वाला, फिर कॉन्स्टेंट। तो मैंने पहले x वाला लिखा तो -5x पहले आ गया, फिर y वाला लिखा तो +3y आ गया, एंड कॉन्स्टेंट टर्म +4 आपका यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इन जर्नल आप कंपेयर करके बड़े आराम से बता सकते हैं a का वैल्यू क्या होगा, -5, b का 3 और c का 4 वैल्यू होगा। इसी चीज को कई बार बच्चे इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि राइट साइड वाले को राइट साइड पर ही रहने देते हैं और लेफ्ट साइड वाले को उठा करके राइट साइड पर ले जाते हैं, -4 हो जाता है और यहाँ पे इक्वल में 0 रह जाता है, और इसी चीज को फिर इधर और 0 को इधर भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करते हैं ax + by + c से, तो हमें मिलता है a का वैल्यू 5, b का -3 एंड c का -1। देखिए, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट जब आंसर आप मैच करते हो, यहाँ a का -5 था, यहाँ 5 था, यहाँ +3 था, -3 था, 4 था, -4, यहाँ पर आपको जो चेंज मिला है वो किसकी वजह से मिला, -9 की वजह से। अगर आपके सारी वैल्यूज में a b c में तीनों में ही माइनस का डिफरेंस आ रहा है,
तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी एक में माइनस का डिफरेंस आ रहा है और बाकी वैल्यू सेम आ रही है तब आपको आंसर्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का डिफरेंस इसलिए आया है, अगर आप यहीं पर आप इस इक्वेशन में माइनस कॉमन ले लेते तो 5 प्लस का हो जाता या माइनस का हो जाता है, माइनस का हो जाता है, माइनस इधर राइट साइड पर जा करके जीरो से माइनस मतलब नेगलेक्ट की फॉर्म में आ जाता है एक तरीके से, या जीरो में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओके। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, बस इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि सभी में अगर आपको नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है तो इट्स ओके है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आपको इस तरीके की इक्वेशन दी गई है और उनको हमें क्या करना है, टू वेरिएबल्स में लिखना है। x इक्वल टू माइनस फाइव है, अगर इसको टू वेरिएबल में आप लिखना चाहेंगे, पहली बात ये कौन से वेरिएबल में दी गई है, वन वेरिएबल में इक्वेशन दी गई है, इसमें सिर्फ x ही वेरिएबल है। अगर इसमें वन वेरिएबल में है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको टू वेरिएबल में पूछा है तो किस तरीके से लिखेंगे आप, इस जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करते हुए लिखेंगे। एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर क्या गिवन है हमें, वन, तो वन एक्स हो जाएगा हमारा। वाई का कोफिशियंट हमें गिवन नहीं है तो y वेरिएबल के साथ हम क्या कोएफिशिएंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो y हो जाएगा। इससे हमारा वेरिएबल जीरो से मल्टीप्लाई होते ही ये भी जीरो हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। और माइनस फाइव इधर राइट साइड पे था, इसको लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस फाइव हो जाएगा और इक्वल टू में जीरो। तो टू वेरिएबल में जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो लिखा जाएगा वन एक्स प्लस जीरो वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर आप 5y is equal to 2 इस वन वेरिएबल इक्वेशन को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 5y माइनस 2 is equal to 0, फिर यहाँ पर x का कोफिशियंट नहीं है हमारे पास, x वेरिएबल ही नहीं है तो x वेरिएबल के लिए कोफिशियंट 0 लगाते हुए लिखेंगे, 0 into x plus 5y minus 2 is equal to 0, this is the equation in two variable। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी दिया जाता है आपकी बुक में कि मान लीजिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अगर आपको टू वेरिएबल में इक्वेशन लिखनी है और इस तरीके का स्टेटमेंट आपको गिवन है तो आपको दोनों मटेरियल की आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल मानना पड़ेगा। सबसे पहले आप नोटबुक का वेरिएबल मान लीजिए, मान लीजिए एक्स है, एक्स रुपीज उसकी कॉस्ट है, और पेन के लिए जो कॉस्ट मानी है आपने वाई रुपीज मान लीजिए, वाई वेरिएबल में मान लीजिए इसको। अब यहाँ पर हम जानते हैं नोटबुक की कॉस्ट क्या है, ट्वाइस है, पेन की कॉस्ट कम है, नोटबुक की क्या है, ज़्यादा। मान लीजिए पेन आपका 5 रुपये का आता है, नोटबुक 10 रुपये की आती है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी, ट्वाइस होगी। अब इन दोनों को आप इक्वल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, नोटबुक की कीमत 10 रुपये है और पेन की कीमत 5 है, तो आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पेन की कीमत को, पेन की जो कॉस्ट है कीमत है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नोटबुक का ट्वाइस तो दिया है, बट हम जब इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए दोनों लेफ्ट राइट साइड को इक्वल बनाएंगे तो किसकी कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी कॉस्ट स्मॉल है, छोटी है, उसके कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी पेन का वेरिएबल क्या था, वाई था, तो वाई वाले वेरिएबल को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पेन की जो कॉस्ट है वो नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल हो जाए। तो यहाँ हमारी इक्वेशन बनेगी 2y = 2x, और यहाँ पर हमारे पास 2y - x = 0 भी बन सकता है, देखिए 2y - x = 0 भी बन सकता है। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो ये x मेरा प्लस का हो जाएगा और ये 2y मेरा माइनस का हो जाएगा = 0, और ये x मतलब माइनस से अगर मैं लेफ्ट राइट दोनों में मल्टीप्लाई करूंगे तो ये माइनस माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा, x - 2y = 2 और माइनस का 0 = 0। तो ये इक्वेशन इस तरीके से भी बच्चे लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगी, और इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, दोनों ही फॉर्म में क्या होगी, करेक्ट होगी। फिर इसमें हमारे पास आते हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उनके सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करें। मान लीजिए आपको इक्वेशन दिया 2x + y = 7 और इसके लिए आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो सॉल्यूशन फाइंड करने का वे क्या होगा, हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो वेरिएबल आपके गिवन है हमें पता है यहाँ पे क्लियरली कि एक की वैल्यू हम पुट करेंगे तो दूसरे की हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए क्या करते हैं हम एक बार हम x को 0 पुट करके यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं y को 0 पुट कर दूंगी तो इस इक्वेशन में y को 0 पुट करने पर मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, मुझे दो वैल्यूज मिल चुके हैं, मुझे दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं, मैं और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फिर से वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू पुट करना होगा मुझे, तो मैं x को 1 पुट करके देख लेती हूँ तो 2 × 1 + y = 7 हो जाएगा, 2 + y = 7, y हो जाएगा हमारा 5। इसी तरीके से मैं y को 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू पुट करके यहाँ पर सॉल्व कर सकती हूँ। मैंने y को इन जनरल क्या पुट कर दिया, y = 3 पुट कर दिया, तो 3 पुट करने पर मुझे x का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया।
इस तरीके से आप कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कीजिए और अदर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए और लास्ट में उस डाटा को आप एक टेबल की फॉर्म में वेल अरेंज कर दीजिए। जैसे इसको किस तरीके से अरेंज करना है, ऊपर एक्स नीचे वाई वेरिएबल ले लीजिए। अब देखिए स्टार्टिंग में हमें एक्स को जीरो पुट किया था तो वाई हमें मिला 7। तो जीरो एक्स के साथ क्या लिखेंगे, जीरो, और वाई के साथ क्या लिख देंगे, 7। फिर मैंने y को 0 पुट किया, x मुझे मिला 3.5, तो x के सामने 3.5 जाएगा, y के सामने 0। इसमें x के लिए 1 था तो y के लिए 5 था, तो x के लिए 1, y के लिए 5। यहाँ पर x 2 आया तो x के सामने 2 रख दी गई, क्या पुट करने पे आया, y इक्वल टू 3, तो y के कॉलम में हम 3 डालेंगे। इस तरीके से हमारा डाटा वेल अरेंज हो जाएगा और हमें चारों सोल्यूशन मिल जाएंगे। x इक्वल टू 4y के लिए भी आप सेम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हमने इस इक्वेशन में एक बार x को 0 पुट किया, एक बार y को 0 पुट किया, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब मैंने x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू मुझे यहाँ पर 0 मिल गया, ओके। तो इसलिए अगर मैं दोबारा y को 0 पुट करूँगी तो मेरा x भी 0 ही आने वाला है। देखिए यहाँ पर जब मैंने डाटा अरेंज किया, x 0 के लिए y 0 था, तो जब आप दोबारा y को 0 पुट करेंगे तब भी x 0 आ जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक ना करें, एक बार अगर x को 0 पुट करने पर सेम वैल्यू आपको y दे रहा है तो उस वैल्यू को आप दोबारा y में पुट ना करें। फिर हमने क्या किया, y को 1 पुट कर लिया, x में 4 मिल गया, y को -1 पुट कर लिया तो x -4 मिल गया। इस तरीके से कुछ भी आप एक वेरिएबल में पुट कर दीजिए, x में पुट कर दीजिए, y में पुट कर दीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। y को 2 पुट किया तो 8 मिल गया। इस तरीके से देखिए, और कोशिश कीजिए जब आप डाटा पुट कर रहे हो तो आपका जो वेरिएबल का वैल्यू है वो डेसिमल्स में ना आए, फ्रैक्शंस में ना आए, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से सॉल्यूशन निकाल के उनको वेल अरेंज कर सकते हैं। बट नेक्स्ट जो हम चैप्टर या नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम देखने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे, इसी डाटा को हम ग्राफ के फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो बच्चों को वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है इस डेसिमल वाले डाटा को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने में। अगर इसको आप इजीली प्लॉट कर पाते हैं डेसिमल वाले डाटा को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में किसी भी प्रकार से निकाल लीजिए, एक वेरिएबल को पुट करके दूसरे वेरिएबल का आप डाटा निकाल लीजिए और इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर टेबल की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, ओके। इस तरीके की इक्वेशन हो, वाई पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो वाई क्या आ गया, आपका 9 आ गया। अगर y को 0 पुट करें इस इक्वेशन के लिए तो पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9, पाई एक्स क्या हो जाएगा 9, x इक्वल टू 9 अपॉन पाई। अगर हम यहाँ पे x को 1 पुट कर रहे हैं तो पाई इंटू 1 प्लस वाई 9 हो जाएगा, पाई प्लस वाई क्या हो जाएगा 9, y क्या आ गया 9 माइनस पाई। तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकालिए और उस टेबल में अरेंज कर लीजिए अपनी वैल्यू। तो ये हो गए हमारे सोल्यूशन। अब हम देखने वाले हैं, जो हमने टू वेरिएबल के सोल्यूशन निकाले थे उन्हीं सोल्यूशंस की हेल्प से हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। मेरे पास एक एग्जांपल 3 = 2x + y। इस एग्जांपल की हेल्प से मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, सॉरी इस इक्वेशन की हेल्प से मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं वेल अरेंज करूँगी, 2x + y = 3। इसमें आप क्या करिए, x को पुट कर लीजिए और y का वैल्यू निकाल लीजिए। x को 0 पुट किया, y 3 आ गया, y को 0 पुट किया, x 1.5 आ गया। चाहे तो आप इस वैल्यू को छोड़ दीजिए क्योंकि आपके फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ रही है, और चाहे तो आप अगर इसको प्लॉट कर पा रहे हैं तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने y को 1 पुट किया तो x मेरा सॉल्व करने पे क्या आ गया, 1। अब कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, दोबारा x को 1 पुट करके y को 1 निकालेंगे। कोई फायदा नहीं इस चीज़ को निकालने का, क्योंकि 1 हम एक कोऑर्डिनेट पहले ही निकाल चुके हैं। अगर दोबारा 1 निकालेंगे तो सेम टाइम सेम पोजिशन पे ही तो प्लॉट होगा, इसलिए इसको आप निगलेक्ट कीजिए। दोबारा x को 1 मत पुट कीजिए, जैसे y को 0 पुट करने पर अगर x 0 आ रहा है तो दोबारा x को 0 पुट करके y मत निकालिए, ओके। ये सेम चीज़ वैसे ही है, आई थिंक ये आपको ध्यान में रहेगी। फिर देखिए मैंने इसमें आपको एक ग्राफ पेपर की तरह ही एक एक्स एक्सिस लिया है और एक वाई एक्सिस लिया है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है हमारा और इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव। ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में अपर पार्ट पॉजिटिव है और नीचे वाला लोअर पार्ट नेगेटिव है। अब मैंने आपको थर्ड चैप्टर में कोऑर्डिनेट प्लॉट करने बताए थे कि 0, 3 को किस तरीके से प्लॉट करेंगे हम ग्राफ पेपर पे। x के लिए 0, y के लिए 3, तो x के लिए 0 तो यहीं रहेगा और y के लिए 3 यहाँ है, तो डॉट हमारी यहाँ आएगी y एक्सिस के ऊपर 3 पर। अगर हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं 0 और 1.5, तो 1.5 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में होगा, और y 0 है तो y 0 के लिए वो x एक्सिस पर ही होगा पॉइंट,
तो ये डॉट हमारी यहाँ जाएगी। अगर 1, 1 के लिए प्लॉट कर रहे हैं तो x का 1 और y का 1 दोनों यहाँ पर मीट करेंगे तो ये हो जाएगी, और तीनों को आप पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आपकी लाइन आएगी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये किसके लिए आएगी 2x + y = 3 के लिए आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। इस लाइन के दोनों तरफ एरो लगाइए क्योंकि ये आप दोनों ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, और इस इक्वेशन के ऊपर जो गिवन इक्वेशन थी इस लाइन के ऊपर जो गिवन इक्वेशन थी वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए उसको जनरल फॉर्म में लिखिए, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल कर आप उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के इक्वेशन भी आपको दी हो सकती है, जैसे कि एक आपका एग्जाम्पल है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस रिलेशन, इसको आप एक इक्वेशन में लिख करके ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस रिलेशन, डायरेक्टली हटाने के लिए हमने कोई कॉन्स्टेंट मास ले लिया। अब इसको हम मान लेते हैं फोर्स हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और एक्सेलरेशन हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी y = mx। अब इस इक्वेशन के लिए आपका ग्राफ प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि m आपका एक कांस्टेंट टर्म है और कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ, इसलिए इसके लिए एक प्रिसाइज ग्राफ नहीं मिल सकता आपको। तो हम यहाँ क्या करते हैं, m का एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, m = 1 ले लेते हैं मान लीजिए, और फिर हमारी इक्वेशन हो जाएगी y = 1x, यानी y = x। m को 2 लेंगे तो y = 2x हो जाएगी, 3 लेंगे तो y = 3x, और उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आप सॉल्यूशंस निकालिए, और सॉल्यूशंस निकाल करके आप अपना ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। देखेंगे कि वो ग्राफ जो होगा आपका ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, चाहे आप m की कोई भी वैल्यू लीजिए वो स्ट्रेट इक्वेशन ही आपको मिलने वाली है इसके लिए, ओके। जो बाकी का टॉपिक रह गया वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आई थिंक आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।